हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू बेस्ट एजुकेशन क्लासेस सो इन टूडेज वीडियो वी विल लर्न वॉट डू यू मीन बाय एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सक्लामेटरी जब आप ये नाम सुनते हो ये वर्ड सुनते हो तो सबसे पहले आपके ध्यान में क्या आता है कुछ इस तरीके का सिम्बल एंड ये सिम्बल हम यूज़ करते भी हैं हम कब ये सिम्बल यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स जब हम किसी भी तरीके का सडन फीलिंग इमोशन एक्सप्रेस करते हैं तब राइट right? सो so, आपने प्रीवियसली पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये पढ़ा होगा इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स जो हम सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल द वर्ड वाओ वॉट अ कार तो वाओ जो वर्ड है स्टूडेंट्स अगर आप देखो तो इंडिविजुअली उसका कोई मीनिंग नहीं है बट बस वो आपके सडन एक्सप्रेशन सडन इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है सो so, कुछ ऐसा ही हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी है बट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम जो भी कुछ बोलते हैं उसका मीनिंग होता है एंड दैट मीनिंग इज बीन एक्सप्रेस्ड एज अ सडन और स्ट्रांग फीलिंग सो देखते हैं हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस सम सडन और स्ट्रांग फीलिंग एंड इसका सिंपल ट्रिक है आइडेंटिफाई करने का कि सिंस इट इज एक्सक्लेम्ड यानी कि एक्साइटमेंट में सडन फीलिंग इमोशंस को हमने एक्सप्रेस किया है तो इट विल बी ऑलवेज बीन एंड विथ विथ एन एक्सक्लमेशन मार्क ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है जिससे आप इजीली इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे आज यू कैन सी इन दल द एग्जाम्पल्स फुल स्टॉप कहीं पर भी यूज नहीं हुआ है क्वेश्चन मार्क कहीं पर भी यूज नहीं हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ही यूज हुआ है सो so, एग्जाम्पल वॉट अ लवली प्लांट इट इज सडन इमोशन हाउ ग्लैड वी आर हैपीनेस एक्सप्रेस कर रहे हैं हम हाउ वेल ही प्लेड अपना सजेशन या अपना हम इमोशन बता रहे हैं हाउ एक्साइटिंग इफ ओनली एवरी डे वर संडे एक्सक्लम एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेम किया है ये सारे सेंटेंसेस को सो so, आई होप कि आप इजिली अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो विदाउट एनी ट्रबल विदाउट एनी इशू नेक्स्ट हम देखेंगे दैट हाउ वी कैन वी हैव टू चेंज एक्सक्लमेटरी सेंटेंस इन टू असर्टिव सेंटेंस एंड वॉइस वर्सर सो यू कैन चेंज एक्सक्लमेटरी सेंटेंस इन टू असर्टिव एंड सम असर्टिव सेंटेंस इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कीपिंग द मीनिंग सेम यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मीनिंग सेम रखना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में और कुछ असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी मार्क में हम ईजीली चेंज कर सकते हैं एग्जाम्पल देखो वॉट अ गुड मैन ही वॉज सो यह एक्सक्लेम किया हुआ है इसका हम असर्टिव कैसे बनाएंगे ही वॉज अ वेरी गुड मैन अब वेरी वर्ड हमने क्यों यूज किया सिंस हमने कुछ बहुत ही एक्साइटिंग बहुत ही यूनिक देखा उस मैन में इसलिए हमने एक्सप्रेस किया वॉट वर्ड यूज़ करके इन शॉर्ट हम वहाँ पर अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं दैट मीन्स ही मस्ट बी एक्स्ट्रॉर्डनेरी तो हमने इसके लिए वेरी वर्ड का यूज़ किया है ये दिखाने के लिए कि वो बहुत ही स्ट्रांगली एक्सप्रेस है तो ही वॉज़ अ वेरी गुड मैन अगेन इसमें किसी भी तरीके का टेंस चेंज नहीं हुआ है कोई बहुत ज़्यादा एडिशनल वर्ड्स हमने यूज़ नहीं किया है सिंपली हमने जस्ट एक्सक्लमेटरी से इसको असर्टिव में वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड इट हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्ड। इट लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल फुल स्टॉप तो असर्टिव सेंटेंस जो होता है स्टूडेंट्स उसमें हम फुल स्टॉप का यूज़ कंपल्सरी करते हैं अगर हमने फुल स्टॉप का यूज नहीं किया अगेन एक्सक्मेटरी यूज़ किया तो इट वुल भी ट्रीटेड एज अ एक्सक्लमेटरी सेंटेंस एंड एक्सक्लमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेम जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरीके का सवाल हो जाता है वो नाउ सी एग्जाम्पल असर्टिव से हम एक्सक्लेमेटरी में कैसे चेंज कर सकते हैं इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हाउ इंटरेस्टिंग एक्सक्लेमेटरी सो समाइम्स हम बहुत ईजीली चेंज कर सकते हैं मैनी टाइम्स इट इज डिफिकल्ट फॉर अस अगेन एक्सक्लेमेटरी देखते हैं एक इफ़ ओनली आई वर अ गार्डना आई विश आई वर अ गार्डना सो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स वीडियो का मेन फोकस मेन मोटिव यह है कि आप एक्सक्लमेटरी सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकें एंड सेकेंडली आफ्टर आइडेंटिफिकेशन आप ईजीली उसको इंटरचेंज कर सकें कोई बहुत ज़्यादा लेंदी आपको सेंटेंसेस नहीं होता है चेंज करने के लिए सिंपली दे आर गोइंग टू गिव यू अ सिंपल सेंटेंस जो बहुत ही सिंपल होगा जिसमें एक सब्जेक्ट होगा एक प्रेडिकेट होगा So, आपके लिए भी कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है एक्सक्लमेटरी टू अफोमेटिव एंड अफोमेटिव टू एक्सक्लमेटरी द कैप्टन वॉज एस्टॉनिश्ड हाउ एस्टॉनिश द कैप्टन वॉज आई विश आई वर अकर हॉकर इफ ओनली आई वर हॉकर सो जस्ट सिंपल चेंजिंग है स्टूडेंट्स See this if you haven't subscribed to the channel, go and right now subscribe the channel, press the bell icon, and do like the video. Comment for more such videos so that we can keep on making videos for you people and simplify your grammar and other subjects as well. It was very cold here, simple air students, right? How cold it is here. The happy prince looked very sad. How sad the happy prince looked. We are so hungry. How hungry we are. I never heard of such nonsense. What a nonsense. I have been a bad girl. What a bad girl I have been! Exclamatory <laughs> mark. सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम बना रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि एक्सक्लेमेटरी मार्क भी हम लास्ट में रखें वरना एग्जाम में क्या होता है स्टूडेंट्स अगर आपने सेंटेंस करेक्ट भी लिखा और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है तो योर टीचर कैन डिडक्ट हाफ मार्क्स फॉर दैट और एल्स मैनी ऑफ द टीचर्स फॉलो द बोर्ड रूल विजिटल्स कि अगर ग्रामर में एक एकस्ट मिस्टेक भी है तो आपको हाफ मार्क्स डिडक्ट आप नहीं कर सकते यू हैव टू गिव यू हैव टू टेक और गिव कंप्लीट फुल मार्क्स नेक्स्ट है उसका वाइस वर्सा तो इसमें हमें क्या करना है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है उसको एज एन असर्टिव सेंटेंस लिखना है एग्जाम्पल नंबर टू देखो इफ ओनली वी बिलीव आई विश वी कुड बिलीव हाउ प्राउडली शी कैरिड होम द प्राइज शी कैरिड होम द प्राइज विथ अ प्राइड सो इट इज रियली वेरी सिंपल वंस यू गेट इन टू द ट्रैक वंस यू नो द ट्रिक It is very simple. So this was it about the explanation of assertive and exclamatory sentences. And this video has been made by just focusing on on the students of fifth standard to eighth standard for 9th and tenth and also for college section. Sooner detailed video of grammar lessons will be uploaded. Thanks for watching and stay tuned with the channel for more such videos.